बेबीज वेलकम बैक हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन वर्ड्स चैप्टर नंबर टेन जिसका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है साथ ही हमने एक बैक एक्सरसाइज यहां पर करेक्शन वाली और एक बैक एक्सरसाइज यहां पर जिसमें हमको चूज करना था करेक्ट क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट कर ली है अब बारी आती है पेज नंबर 51 की जिसमें पुट इन करेक्ट क्वेश्चन वर्ड अगेन हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं जिनको चूज करके हमको करेक्ट वाला पुट करना है तो शुरू करते हैं इज दैट मैन ही इज माई अंकल क्वेश्चन है कहा कौन या क्या वह आदमी कौन है वह आदमी कहाँ है या फिर वह आदमी क्या है जिसका आंसर है वह मेरे अंकल हैं तो क्वेश्चन क्या होगा वह आदमी कौन है who is that man? हमने चूज कर लिया हु इज अ डॉक्टर कहाँ है या क्या है हमारे पास दो वर्ड्स बचे हैं और जवाब आया है कि वह डॉक्टर हैं तो इसका क्या अर्थ है कि क्वेश्चन क्या होगा कि वह क्या है वॉट इज योर फादर आपके पिता क्या है जवाब है वह एक डॉक्टर है अगला और आखिरी आर योर बुक्स आपकी बुक कहा है आर योर बुक्स आंसर इज दे आर इन माई बैग वे वे मेरे बैग में हैं एंड इट इज डन लेट्स चेक वॉट इज नेक्स्ट फाइंड फ्रॉम द बॉक्स द राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन नाउ वी हैव अ बॉक्स आंसर बॉक्स हमारे भी यहाँ पर दिया हुआ है और हमको यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे उनको पुट करना है तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज दैट बॉय वह लड़का कौन है आंसर इज ही इज मनु वह मनु है ही इज एन आर्टिस्ट वह एक कलाकार है शी इज अ टीचर वे वह एक अध्यापिका है दे आर इन हिज बैग वे उसके बैग में है ही इज गोइंग टू स्कूल वह स्कूल जा रहा है अब इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो हमारे क्वेश्चन की वह लड़का कौन है का आंसर बन सकता है सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ही इज मनु वह कौन है वह मनु है फुल स्टॉप ये हमने टिक कर दिया नेक्स्ट इज वेयर इज ही गोइंग वह कहा जा रहा है आंसर इज He is going to school. वह स्कूल जा रहा है He is going to school. Full stop. Where are his books? उसकी किताबें या पुस्तकें कहाँ हैं कहाँ हैं They are in his bag. वे उसके बैग में है They आर इन हेज बैग इज हिज फादर उसके पिता क्या है क्या है उसके पिता शी इज अ टीचर ही इज एन आर्टिस्ट नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट फादर इसका अर्थ है कि आंसर में ही होगा इसलिए ही इज एन आर्टिस्ट ही इज एन आर्टिस्ट फुल स्टॉप एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज हिज मदर उसकी माता क्या है अब मदर के बारे में दैट मींस शी होगा आंसर इज शी इज अ टीचर फुल स्टॉप एंड हियर इज द चैप्टर टेन एंड्स ओके okay, हम एक छोटा डिवीजन और कर लेते हैं फटाफट से हमेशा हमको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ स्पेशल वर्ब लगेगा स्पेशल वर्ब्स हैं इज एम आर वॉज वर्ड हैज हैड शुड एंड इफ यू नो अदर स्पेशल वर्ब्स ऑल्सो वो भी हमेशा क्वेश्चन वर्ड के साथ आएंगी हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते सो दिस इज द की वर्ड आपको यह हमेशा याद रखना है जिसे आपको सेंटेंस को करेक्ट करने में या फॉर्मेट करने में आसानी होगी ओके बेबीज कीप लर्निंग बाय बाय